गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। माय विज़न के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका अमित कुमार पाल फिर एक बार स्वागत कर रहे हैं। ये जैसा कि आपको मालूम है, ज्योमेट्री की सीरीज़ मैंने एक शुरू की है। आपके पिछले दो वीडियोस अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। ये तीसरा वीडियो इसलिए डालना पड़ रहा है मुझे आज, क्योंकि 31 दिसंबर है और नववर्ष की पूर्व संध्या पर हमसे बताया गया कि भाई 2019 में 3 वीडियोस पढ़ने चाहिए। मैंने लॉजिक समझने की कोशिश की, समझ में आया कि 2019 एक ऐसी संख्या है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो एटलीस्ट 3 वीडियोस तो पढ़ी जाने चाहिए। उसके आगे हम लोग, जैसा कि मुझे बताया गया, स्पीड आपकी तेज़ है तो 2020 खेलेंगे। 2020 शुरू हो रहा है, तो पूर्व संध्या पर आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। जो भी आप लोगों के सपने हो, जितने भी आप लोगों ने फॉर्म्स भरे हो, सब में आपको सफलता मिले। आपको सिलेक्शन में सिलेक्शन करना पड़े कि हमें आखिर जाना किस में है, मेरी यही दुआ है। मेरे पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ज्योमेट्री का ये थर्ड वीडियो है और हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं भाई, वो तो सभी लोग जानते हो। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चार भुजाओं द्वारा परिबद्ध किया गया क्षेत्र, द एरिया बाउंडेड बाय फोर साइड्स। तो फोर साइड्स से बाउंडेड कोई भी एरिया होगा उसको हम लोग चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। चार भुजाओं द्वारा परिबद्ध किया गया क्षेत्र होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी अंतः कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, थोड़ी सी बात समझेंगे कि कोई भी चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा इसकी कोई स्पेशलिटी नहीं है। दिस इज नाइदर पैरेलोग्राम नॉर रॉम्बस नॉर रेक्टेंगल नॉर स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, सिंपल सा क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं हैं। ध्यान रखिएगा, चार भुजाएं हैं तो चार कोने बनेंगे, चार कोने होंगे और उन सभी कोनों को हम लोग बोलते हैं एंगल्स, और उन चारों एंगल्स का सम 360 यानी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती हैं एक क्वाड्रिलेटरल की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं। उसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज़ निकल के सामने आती है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो? चलिए इसको नेमिंग दे लेते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी डी। तो ये आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर हैं। ऑल द फोर वर्टिसेस लाई ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अगर एक ही सर्कल के सर्कमफेरेंस पर चारों शीर्ष होंगे, चारों ऑल द फोर वर्टिसेस लाई ऑन सेम सर्कल और लाई ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सेम सर्कल, द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमने जो क्वाड्रिलेटरल बनाया है उसके चारों शीर्ष है ना। अब इसमें एक हल्का सा एग्जाम्पल ले लीजिएगा, बगल में छोटे से फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अगर हम कोई इस तरह का क्वाड्रिलेटरल देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है, 1 2 3 4 चार साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है, बट इट इज़ नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों नहीं है? क्योंकि तीन शीर्ष तो परिधि पर हैं लेकिन एक केंद्र पर है। इसका मतलब है कि ये कोई चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन साइक्लिक नहीं होगा। तो साइक्लिक होने के लिए फर्स्ट एसेंशियल क्या है? पहली जो बहुत बड़ी योग्यता है इसके साइक्लिक होने के लिए, वो क्या है? चारों शीर्ष जो होंगे वो क्या होंगे? वो चारों शीर्ष होने चाहिए वृत्त की परिधि पर। ठीक है, अगली बात देखिए। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी निकल के क्या सामने आती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल के सामने आती है कि अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी हम कह सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हम कह सकते हैं कि जो विपरीत कोण हैं वो सम्मुख कोण जो हैं उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। विपरीत कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण सदैव क्या होंगे? संपूरक होंगे। यानी इनका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। फॉन्ट अगर कम हो तो चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये पहली बात हो गई। पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर अपोजिट एंगल्स, अच्छा इसका कन्वर्स भी समझते जाएगा। मैंने हमेशा थ्योरम पढ़ाई है आपको, थ्योरम के कन्वर्स पे भी मैंने पूरी तरह से कहा है आपसे गौर करने के लिए। कन्वर्स इसका क्या है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आप कोई भी एक भी पेयर ऐसा पा जाएँ जिनका सम आपको 180 दिख जाए, सम अगर सप्लीमेंट्री आपको दिख जाए कि हाँ कोई दो एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात देखिएगा क्या है कि अगर मान लीजिए इस साइड ए बी को हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया। अब आपको मालूम है कि अगर किसी भी फिगर की किसी एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया जाए तो उस फिगर और उस साइड के द्वारा बनने वाला कोण जो होता है इसको हम लोग बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। अब बहिष्कोण है, मान लीजिए इसको आगे प्रोड्यूस किया हमने ई तक,
ठीक है। तो यहाँ पर हमको दूसरी प्रॉपर्टी मिलेगी, दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण सी बी ई, बहिष्कोण जो होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके, अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा, अपने अंतः सम्मुख कोण के बराबर होगा। इसका अंतः कोण बी है, उसका सम्मुख कोण कौन है, उसका सम्मुख कोण है ये डी, तो ये बराबर होगा एंगल डी के। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी को हमको थोड़ा सा रिटर्न में देखकर आपको समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को, इस पर गौर कीजिएगा कि पहली क्या हुई, पहली हुई अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दूसरी क्या है बहिष्कोण जो होगा वो अपने अंतः विपरीत कोण के बराबर होगा। तो इन दो प्रॉपर्टीज के अलावा तीसरी प्रॉपर्टी पे अगर हम लोग आएँ तो तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, साइक्लिक रॉम्बस एंड साइक्लिक पैरेललोग्राम आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल रेस्पेक्टिवली। क्या बोला मैंने, मैंने कहा कि अगर चक्रीय समचतुर्भुज या चक्रीय समांतर चतुर्भुज के बारे में कहा जाए तो चक्रीय समचतुर्भुज का मतलब होता है वर्ग और चक्रीय समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है आयत। कैसे, देखिए इस फिगर के थ्रू और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि रॉम्बस का जो नॉर्मल शेप होता है उस तरह से अगर हम कोई शेप इसमें बनाने की कोशिश करें, देखिएगा गौर करिएगा कहाँ मुश्किल आ रही है मुझे, इस बात को समझिएगा कि अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएं फिर ऐसे बनाएं फिर आगे बढ़ाएं तो एक पैर देखिए बाहर निकल गया। रॉम्बस अगर आप बनाएंगे तो इस तरह की समस्या आएगी। यानी कि ये साइक्लिक तभी हो सकता है जब चारों कोने जो होंगे वो व्रत की परिधि पर हों, और उस लालच में हम इसको जब किसी तरह से खिसका कर व्रत में लेके आएंगे तो ध्यान रखिएगा ये एक वर्ग का निर्माण करेगा, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर साइक्लिक है, रॉम्बस है, चारों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो बातचीत आपसे क्या कर रहा है, वो वर्ग की बात कर रहा है। इसी तरह से समझिएगा कि अगर हम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, ये पैरेललोग्राम बनाया ऐसे फिर ऐसे फिर एक पैर बाहर चला गया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब ये एक रेक्टेंगल होगा। ये देखिए तो सेकेंड प्रॉपर्टी के रूप में इस बात को समझिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल सी बी इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ले लेते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जब भी हमसे बात की जाएगी साइक्लिक रॉम्बस यानी चक्रीय समचतुर्भुज, तो चक्रीय समचतुर्भुज का मतलब होता है हमेशा स्क्वायर या वर्ग, और अगर हमसे बात की जाएगी साइक्लिक पैरेललोग्राम तो साइक्लिक पैरेललोग्राम का मतलब होता है एक रेक्टेंगल। यानी स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं वर्ग है, रेक्टेंगल का मतलब आप लोग जानते हैं आयत है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ को समझिएगा कि हम लोग अगर आयत बनाने की कोशिश करेंगे तभी जा करके चारों शीर्ष चारों कोने जो होंगे वो वर्ग वृत्त की परिधि पर आ पाएंगे, अदरवाइज कोई ना कोई पैर इसका बाहर चला जाएगा। इसका मतलब आपको तीसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, अगर हम बात करें किसी भी साइक्लिक ट्रेपेजियम की, यानी अगर चक्रीय समलंब के बारे में बात किया जाए, समलंब सभी लोग जानते होंगे, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ा होता है समांतर भुजाओं का, एक जोड़ा होता है असमांतर भुजाओं का, ठीक है। देर इज अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स एंड देर इज अ पेयर ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, इज कॉल्ड एज द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किस तरह का होता है तो वो आपने देखा। अगर हम लोग बात करें साइक्लिक ट्रेपेजियम की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, साइक्लिक ट्रेपेजियम की, तो साइक्लिक ट्रेपेजियम अगर आप इसमें बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए दो साइड तो आपने पैरेलल बनानी, अगर दो साइड्स पैरेलल बनाई तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनका बराबर होना नितांत आवश्यक है। ये बात आप समझ गए होंगे, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके बराबर होगा। हम कह सकते हैं साइक्लिक ट्रेपेजियम इज आल्सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यानी अगर हम बात करते हैं चक्रीय समलंब की तो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं समद्विबाहु समलंब की। समद्विबाहु समलंब का मतलब जिसकी दो भुजाएं जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो असमांतर भुजाएं हैं, वो असमांतर भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। अच्छा, एक छात्रों से गलती अक्सर होती है, बताया जाए चाहे ना बताया जाए क्या करेंगे वो लोग, ऐसे बनाएंगे साइक्लिक ट्रेपेजियम और यहाँ पर अपने आप ही सेंटर ले लेते हैं। क्यों भाई, यहाँ पे क्यों सेंटर ले सकते हैं हम लोग, नहीं ले सकते। जब तक कहा ना जाए कि चक्रीय समलंब की बड़ी भुजा व्यास है, जब तक कहा ना जाए द लार्जर साइड इज डायमीटर ऑल्सो, तब तक अपने आप नहीं लेंगे। क्योंकि ये देखिए इस तरह से नीचे और ऊपर भी तो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, नीचे बनाइए चाहे ऊपर बनाइए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स हैं और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल में हमने बताया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टीज क्या हैं, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री,
एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बताया कि अगर हम बात करते हैं साइक्लिक रोम्बस की तो उसका मतलब होता है स्क्वायर, अगर हम बात करते हैं साइक्लिक पैरेललोग्राम की उसका मतलब होता है रेक्टेंगल, और अगर हम बात करते हैं साइक्लिक ट्रेपेजियम की, ये क्या है, चौथी प्रॉपर्टी के रूप में क्या कहते हो, साइक्लिक ट्रेपेजियम यानी चक्रीय समलंब के बारे में बात करोगे तो चक्रीय समलंब सदैव समद्विबाहु होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज ऑल्सो साइक्लिक ट्रेपेजियम एंड साइक्लिक ट्रेपेजियम इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है भाई। तो ये साइक्लिक आप कोऑर्डिनेटर के बारे में कह सकते हो, इतनी बात अगर आप ध्यान रखोगे कोई क्वेश्चन आपसे बच के निकलने वाला नहीं है। क्वेश्चन कैसे हैं वो मैं वीडियो दर वीडियो आपको बताता रहूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उन प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और आप सभी लोगों को नववर्ष मंगलमय हो, हमारे पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारे पूरे संस्थान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।